क्या दोस्तों, आप भी YouTube का गाना प्ले करना चाहते हो और आपका जब भी स्क्रीन ऑफ हो जाता है, आपका स्क्रीन ऑफ होने के बाद YouTube का जो गाना या वीडियो प्ले हो रहा है ये बैकग्राउंड में ऑफ हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा कमाल का ट्रिक बताऊंगा जो करने के बाद, इस सेटिंग को करने के बाद आपका YouTube अगर बंद हो जाएगा, स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगा, तो बैकग्राउंड में जो गाना है बजता रहेगा। जैसे कोई भी ऐप में आप गाना बजाते हो, किसी भी गाना ऐप में, तो आप जैसे स्क्रीन ऑफ कर रहे हो आपका गाना हमेशा के लिए बजता रहता है और आपका वीडियो भी प्ले हो। हाँ, यूट्यूब में भी ऐसा सेटिंग है। क्या सेटिंग है, किस कौन सा सेटिंग आपको ऑन करना पड़ेगा, तो वीडियो में बने रहना शुरू से लेकर आखिर तक। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एफ सी ज्ञान में, मैं हूँ निशान। तो दोस्तों आइए हम बिना नमस्ते के वीडियो करते हैं तो स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो हमारे वीडियो देख रहे हो खुशी खुशी में वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो घंटी का बेल आता है ये ऑल में जरूर प्रेस करके रख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट कर देना जरूर। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बताया दोस्तों, सिंपली आप अपना गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है, गूगल क्रोम को करना है सिंपली ओपन। आप अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको मिलेगा यूट्यूब, नहीं तो आप इधर सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब। तो अपना यूट्यूब ओपन कर लीजिए दोस्तों। आप जैसे अपना यूट्यूब ओपन कर लेंगे, यूट्यूब ओपन कर लेने के साथ साथ दोस्तों आपके सामने जो कुछ इस तरह इंटरफेस शो करेगा, तो आपको लोडिंग होगा, लोडिंग होने तक वेट कर लेना है। और जैसे अपना यूट्यूब ये ओपन होके आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो YouTube आने के बाद आपको ऊपर में जो थ्री डॉट लाइन है, इस थ्री डॉट लाइन में आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको एक बार चेक करना है ये डेस्कटॉप साइड में है या नहीं है। तो दोस्तों आपको ये डेस्क थ्री डॉट में लाइन में क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड जो आएगा इसको आपको इनेबल कर लेना है। करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो करने के साथ दोस्तों आपको बैक कर लेना, इधर आपको जो भी गाना वगैरह आ जाएगा तो आप सर्च करना चाहते हो दोस्तों इस तरीके से, आप इधर जाके देख दोस्तों देख सकते हो, आप सर्च भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, इधर टैप करके जैसे मैंने आपको दिखा अब डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप साइड पे जैसे क्लिक कर लूँगा, मेरे सामने जो डेस्कटॉप साइड क्लिक करने के बाद आ जाएगा लोडिंग होके। तो आने के बाद दोस्तों आप ही देख सकते हो आपके सामने किस तरीके से ये पेज हो गया। तो आप प्ले कर सकते हो, तो एक गाना में सिंपली आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, ज़रा साउंड भी नहीं दे सकता क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ होता है। तो जैसे मैं ये गाना मेरे आपके सामने प्ले किया, आप सार्स बटन में सार्स कर सकते हो। तो ये ऐड आया, एड्स को हम कट कर लेते इधर से, थोड़ा वेट कर लेते इधर, तो सिंपली इस एड्स को इधर स्किप कर देते हैं और ये देख सकते हो दोस्तों आपके सामने जो गाना बन रहा है, बज रहा है। तो बजने के साथ साथ दोस्तों ये देख सकते हो गाना, आपको मैं एक थोड़ा सा साउंड दे देता हूँ। तो देखा आपने, तो अभी मैं क्या करूँ सिंपली इसको बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया, बंद करने के बाद फिर से ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद ये देखो दोस्तों आपके सामने जो है ये प्ले हो रहा है। तो दोस्तों सुन सकते हो ये गाना बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी गाना प्ले कर जैसे प्ले करेंगे, आप बंद कर दीजिए, स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए, वो अपने आप ये जो बैकग्राउंड में बज रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब का कोई भी गाना बैकग्राउंड में म्यूजिक से आप प्ले कर सकते हो। तो इसके अलावा आपको कोई भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया और देखा, इसी तरीके से करेंगे आप भी यूट्यूब का गाना प्ले कर पाएंगे स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ऐसे हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले दिन अगले एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।